गेहूं की अगेती बुआई। गेहूं भारत में उपजाई जाने वाली एक प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी अच्छी उपज कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है इसकी अगेती बुआई। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गेहूं की अगेती बुआई से अच्छी उपज मिलती है, क्योंकि अगेती बुआई बीजों के सामान्य अंकुरण और उसे ठीक करने से स्थापित होने में सहायता करती है, जो उसकी अच्छी उपज को सुनिश्चित करता है। साथ ही इससे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने में सहायता भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि समय से पहले गेहूं की बुआई करने से फसल को गर्मी के तनाव से बचने में मदद मिलती है। आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बुआई में देरी होगी, वैसे वैसे पैदावार में कमी आती है, क्योंकि देर से बुआई करने से जब दाना भरने का समय आता है तो उस समय कई बार गर्म हवाएं चलती है और उस वक्त तापमान ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से दाने का वजन कम हो जाता है और इसकी उपज भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगेती बुआई का एक फायदा ये भी है कि कम तापमान की वजह से हम जो पानी या खाद अपनी फसल को देते हैं, उसका पूरा फायदा उसे ज्यादा समय तक मिलता है, जिससे उसकी उपज अच्छी होती है। गेहूं की बुआई देर से करने पर इस पर बढ़ते तापमान का असर पड़ता है, अर्थात बीमारियों को लगने की संभावना ज्यादा होती है, जिससे उपज कम होती है। अब सवाल ये उठता है कि गेहूं की बुआई का सही समय कब है। अक्टूबर से नवंबर तक का महीना गेहूं की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसमें ऐसे गेहूं की बुआई करते हैं जो 125 से 130 दिन की अवधि में पकता है, तो इसकी बुआई अक्टूबर के अंत या नवंबर के मध्य तक कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंचित खेतों में ऐसे गेहूं की बुआई करते हैं जो 120 से 130 दिन की अवधि में पकता है, तो इसकी बुआई 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच करना चाहिए। और अंत में हम आप सभी किसानों को ये सलाह देते हैं कि आप गेहूं की अगेती बुआई करें और इसकी अच्छी उपज पाएं, और ऐसा कर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को भी कम करें तथा एक स्मार्ट किसान बने। धन्यवाद।